हेलो दोस्तों, साल का वो वक्त आ गया है जब हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रनिंग शूज रैंक करते हैं कैटेगरी वाइज। हमें कमेंट्स में फ्रीक्वेंटली लोग सजेस्ट करते हैं प्राइस वाइज शूज रेकमेंड करने के लिए, पर इस तरह के कैटेगराइजेशन में दो फ्लॉज हैं। एमआरपी वाइज देखें तो हम कभी भी एमआरपी पे शूज लेना सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर करंट प्राइस पे चलें तो प्राइसेस बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करते हैं, और इंडिया में तो हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई सेल चलता रहता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम बेस्ट डेली ट्रेनर्स भी रैंक करेंगे और साथ ही साथ इनके बेस्ट प्राइसेस भी मेंशन करेंगे जो आपको मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी दे सकें। जहां तक डेली ट्रेनर्स की बात आती है, हमने इसे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, वर्सेटाइल डेली ट्रेनर और मैक्स कुशन डेली ट्रेनर। वर्सेटाइल मीडियम स्टैक शूज उन्हें सूट करेंगे जो एक शू में सारे रन करना पसंद करते हैं, मॉडरेटली लाइट वेट शूज प्रेफर करते हैं। मैक्स कुशन शूज लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, हैवी रनर्स या फिर वो लोग जो पूरे दिन खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सही रहेगा। ये हम उन्हें भी सजेस्ट करेंगे जो बिगनर रनर्स हैं, कंफर्ट चाहते हैं, क्योंकि ऐसे शूज इंपैक्ट इंजरीज अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, जैसे शिन स्प्रिंट्स। शुरू करते हैं पहले शू से, वर्सेटाइल डेली ट्रेनर कैटेगरी में। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु, और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। तीसरे नंबर पे आता है ब्रुक्स का ग्लिसरिन 21, एक ऐसा शू जो वर्सेटाइल डेली ट्रेनर कैटेगरी में भी फीचर कर सकता है और मैक्स कुशन में भी। ये इसीलिए है क्योंकि इसमें पाया जाने वाला नाइट्रोजन इन्फ्यूज डीएनए लॉफ V3 एक सुपर क्रिटिकल फोम है। स्प्रिंगी, एयरी, लाइट वेट इस फोम के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर स्पीड हर डिस्टेंस पे शू एक्सेल करता है। ब्रुक्स शूज की खासियत है कि वो फ्लिपकार्ट पे हमेशा ही डिस्काउंटेड मिलते हैं, अप टू 60%। दूसरे नंबर पे है होका मार्क 6। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में होका अपने लेटेस्ट और बेस्ट शूज नहीं लाता, पर जो अवेलेबल हैं उसमें से हैंड्स डाउन बेस्ट है मार्क 6। इसमें ग्लिसरिन की तरह गैस इन्फ्यूज सुपरक्रिटिकल फोम है, पर ये सिग्निफिकेंटली लाइटर और पेपियर है। स्टैक 37-32 होते हुए भी ये सिर्फ 232 ग्राम्स का आता है यूके 8 में। एमआरपी है 15,000 रुपये और इंडिया में ये बहुत लिमिटेड स्टॉक पे अवेलेबल है। इस पर हमने रेयरली अच्छा डिस्काउंट देखा है। हमारे ओपिनियन में सबसे वर्सेटाइल डेली ट्रेनर है आदिदास का SL2। ये हमारा 2024 का मोस्ट रेकमेंडेबल शू रहा है। हमने अपने SL वर्जन 1 के रिव्यू में कहा था कि ये बहुत ही फर्म और अनफॉरगिविंग है। आदिदास ने इन्हीं इश्यूज को एड्रेस किया है इस वर्जन में, लाइट स्ट्राइक प्रो के इंसर्ट को फुल लेंथ बनाकर और आउटर लाइट स्ट्राइक को सॉफ्टर करके। ये कॉम्बिनेशन शू को बहुत ही लाइवली, एनर्जेटिक, कम्फर्टेबल और वर्सेटाइल बनाता है। शू के बेस्ट एस्पेक्ट हैं वेट और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो। MRP है 12,000, पर ये फ्रीक्वेंटली 5,000 से 6,000 के बीच दिखता है। इस प्राइस पे SL2 हमारा टॉप चॉइस होगा। आदिदास और होका का साइजिंग बाकी ब्रांड से थोड़ा डिफरेंट है, तो शू ट्राई जरूर करें परचेज करने से पहले। अब बारी आती है बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैक्स कुशन डेली ट्रेनर्स की, और तीसरे नंबर पे A6 का निम्बस 26। Nimbus 26 predominantly एक अपर अपडेट रहा है 25 के comparison में, पर इसमें जो changes देखने को मिल रहे हैं वो हमें उतने पसंद नहीं है। 26 version को slightly firmer और अपर को snug बनाया गया है weight increase के साथ। जहां तक Nimbus 25 की बात आती है, ये extremely well cushioned है, 42mm stack का, और comfort में इसका flight foam blast plus second to none लगा। Current price भी एक major reason है Nimbus 25 recommend करने का, क्योंकि सेल के दौरान हमें ये एज लो एज 6,000 रुपीस का दिखा है, जो इसे इनक्रेडिबल डील बनाता है। तीसरा स्पॉट जॉइंटली शेयर करता है नाइकी का वोमेरो 17 निम्बस 25 के साथ। वोमेरो के इस वर्जन में डुअल लेयर फोम्स हैं, ऊपरी लेयर अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव और सॉफ्ट जूम एक्स का है, और उसके नीचे है ड्यूरेबल कुशलॉन 3.0 की परत जो विनफ्लो 11 में भी दिखता है। जूम एक्स वो फोम है जो नाइकी के टॉप एंड रेसर वेपर फ्लाई और अल्फा फ्लाई में देखा जाता है, और इसके एनर्जी रिटर्न के कारण शू का ओवरऑल राइड कुशन या बाउंसर एंड पे है। वो मेरा 18 बहुत जल्द आने वाला है, जिस कारण 17th वर्जन डीपली डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दूसरे पोजीशन पे आता है A6 का ही नोवा ब्लास्ट 4। वर्जन 3 के कंपैरिजन में अपडेट्स ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, पर मीनिंगफुल जरूर है। हील स्टैक है 41.5mm जो निम्बस से सिर्फ 0.5mm कम है, पर ये निम्बस की तरह बिल्ट अप और बल्कि नहीं लगता। ये एक्सेल करता है मीडियम टू लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, पर शॉर्टर फास्टर रन्स में भी इसका हाई स्टैक बॉदरसम नहीं लगा। ये इजीली हमारे वर्सेटाइल डेली ट्रेनर सेगमेंट में फीचर कर सकता था। नोवा ब्लास्ट जनरली बड़े डिस्काउंट्स पे नहीं दिखता,
बट 8-10 हज़ार रुपए ऐसे शू के लिए अच्छा प्राइस पॉइंट होगा। हमारा बेस्ट मैक्स कुशन डेली ट्रेनर 2024 का है A6 सुपर ब्लास्ट 2। ये एक बेहतरीन रनिंग शू है A6 की तरफ से, जिसमें इनका टॉप टियर सुपर फोम फ्लाइट फोम टर्बो प्लस है। इसके नीचे एक पतली लेयर है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको की, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। 45 मिलीमीटर का स्टैक होते हुए भी A6 इसे सिर्फ 249 ग्राम का रख पाया है। राइड, एनर्जी, वेट में ये शू ऑलमोस्ट अनबीटेबल है, अनफॉर्चुनेटली प्राइस में भी। सुपर फोम के एडिशन के कारण ये अब आता है 22,000 रुपए का, जो पिछले वर्जन से 2,000 ज्यादा है। पर रिसेंटली ब्लैक फ्राइडे सेल में ये 20% ऑफ पे आया। कार्ड डिस्काउंट, कूपन्स सब मिला के हम ये 14,000 का ले पाए, जो इस किस्म के शो के लिए रिस्पेक्टेबल डील है। स्केचर्स की तरफ से एक एंट्री है जो हमारे पास जस्ट आया है, गोरन राइड 11। एक और शू जिसमें गैस इन्फ्यूज सुपर क्रिटिकल फोम है। इसकी खासियत है डुअल लेयर्ड फोम कॉम्बिनेशन, जिसे स्केचर्स हाइपरबर्स्ट आइस कहता है। इनर फोम लेयर सॉफ्टर रखा गया है कंफर्ट पे एम्फेसिस डाल के, और आउटर लेयर शू को बाउंस और स्ट्रक्चर देता है। करंटली हमने इस पे एक ही रन किया है और शू कुशन येट स्प्रिंगी लगा। ये रेयरली अच्छे डिस्काउंट पे दिख रहा था, बट बहुत कम समय के लिए ये सिर्फ 5,000 का अवेलेबल हुआ टाटा क्लिक पे एक ही साइज में, और हम लकी थे। इस वीडियो का आखिरी कैटेगरी होगा नॉन प्लेटेड अप टेम्पो ट्रेनर्स, जो आप एज अ लाइट वेट डेली ट्रेनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेटली एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें ऐसे शू मॉडल्स जो पहले लो स्टैक अप टेम्पो ट्रेनर्स थे, उनका स्टैक बढ़ा के उन्हें डेली ट्रेनर सेगमेंट में पुश किया जा रहा है। जैसे मार्क, किनवारा, रिबेल, ये सेट ऑफ शूज उनको अपील करेंगे जो लाइट वेट जूतों में रनिंग करना प्रेफर करते हैं, या फिर अपने ट्रेनिंग प्लान्स के वर्कआउट्स, इंटरवल्स, थ्रेशोल्ड रन्स प्लेटेड शूज में नहीं करना चाहते। इसके अलावा ये शूज उनको भी सूट करेंगे जो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 800 मीटर से 10 किलोमीटर तक। चौथे नंबर पे आएगा न्यू बैलेंस रेबल V4। फोर्थ वर्जन में सबसे बड़ा अपडेट था मिडसोल में EVA पीबा ब्लेंड का इंट्रोडक्शन, जिसे न्यू बैलेंस अभी भी फ्यूल सेल ही कहता है। इसके अलावा शू को वाइड और रॉकर बनाया गया है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। रेबल V4 अभी भी सुपर सॉफ्ट है मेजॉरिटी फ्यूल सेल शूज की तरह, पर 60-70 किलोमीटर के बाद इसका एनर्जी रिटर्न सिग्निफिकेंटली कम हो गया। फोम बहुत इजीली कंप्रेस हो जाता है बिना किसी रेजिलियंस के। अगर इसका फोम ड्यूरेबिलिटी मेजर कंसर्न नहीं होता तो ये हमारे लिस्ट के टॉप पे होता। तीसरे प्लेस पे आएगा A6 का नूसा Tri-16। नूसा सीरीज एक्चुअली ट्रायथलॉन एथलीट्स के लिए डिजाइन किया गया था, हेंस नाम में ट्राय आता है, पर रेगुलर रनर्स भी इसे एंजॉय करने लगे। 16th वर्जन में फाइनली फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस का इंट्रोडक्शन देखने को मिला। इसका 4-foot रॉकर एक्सट्रीम है, एज अ रिजल्ट ट्रांजिशन बहुत ही फ्लूइड, फास्टर रन्स काफी इंजॉयबल लगे, और फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इसे ड्यूरेबल भी बनाता है लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए। एक तो माइनर डिसलाइक्स होंगे कि शू एवर सो स्लाइटली शॉर्ट है लेंथ वाइज, और 4-foot कुशन हैवी रनर्स के लिए कम। सेल के समय ये सिर्फ 4,000 के पास अवेलेबल था, अनबिलीवेबल वैल्यू फॉर मनी। दूसरे नंबर पे आएगा नाइकी का पेगासस प्लस। नाम पेगासस प्लस है पर ये है पेगासस टर्बो का सक्सेसर, जो एक मेजर हिट था नाइकी के लाइनअप में कुछ साल पहले तक। इसमें नाइकी फुल लेंथ ZoomX सुपर फोम इस्तेमाल करता है। ZoomX आपको वेपर फ्लाई और अल्फा फ्लाई में भी मिलता है, पर इसे डेली यूजेज के लिए ट्यून किया गया है। पेगासस प्लस का अंडरफुट सेंसेशन रिबेल V4 से बहुत सिमिलर लगा, लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेज के बाद इसका फोम डाई आउट नहीं करना चाहिए। इसके दो नेगेटिव्स हैं, 4-foot में कम कुशनिंग और प्राइस पॉइंट। MRP है 17,000 रुपए, जो इसे मेजॉरिटी रनर्स के बजट के बाहर कर देता है। इस बार का बेस्ट नॉन प्लेटेड अप टेम्पो शू होगा ब्रुक्स का हाइपीरियन मैक्स। ये पिछले साल भी हमारे लिस्ट में था और अभी भी एक टॉप टॉप ऑप्शन है। इसके मिडसोल का DNA फ्लैश ग्लिसरीन के DNA लॉक V3 की तरह नाइट्रोजन इन्फ्यूज है, पर राइड डेफिनेटली स्पीड ओरिएंटेड। मिडसोल फॉर्म है और रनिंग सेंसेशन प्रपल्सिव। इसका स्वीट स्पॉट होगा 800 मीटर से 10 किलोमीटर तक। ऑल्दो फास्टर लाइटर रनर्स इसे इजीली हाफ मैराथन तक यूज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हमेशा ही डिस्काउंट पे दिखता है और 7,000 इसके लिए परफेक्ट प्राइस होगा। तो ये थे हमारे चॉइसेस बेस्ट डेली ट्रेनर्स के। इस वीडियो सीरीज के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे बेस्ट रेसिंग शूज शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, इंक्लूडिंग सुपर ट्रेनर्स। और तीसरा एंड आखिरी वीडियो होगा बेस्ट बजट रनिंग शूज का,
जो स्पेसिफिकली इंडियन ब्रांड्स पे फोकस करेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं कोलंबस एवेंजर के रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।